सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस, साथ में बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रम का मिरर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मिरर को बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कॉर्ड, पर्पल कलर की कॉर्ड, 2 प्लास्टिक स्टिक 12 इंच की, 3 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की, 2 राउंड शेप की रिंग 12 इंच की, एक मिरर 12 इंच का, साथ में बीट्स, बेल्स, लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और उसमें अब हम यहाँ पर 12 कॉर्ड्स अटैच करेंगे। और इसे अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि पहले हम 4 येलो कलर की कॉर्ड अटैच करेंगे, फिर 4 ब्लू और फिर 4 येलो, और इन सभी की साइज़ है 5 मीटर। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेंटर में 4 ब्लू कलर की कॉर्ड लगाई है और उसके आजू बाजू साइड में यहाँ पर हमने 4 4 येलो कलर की कॉर्ड्स में अटैच करी है। और देखिए, अब हम इसके कॉर्नर की एक येलो कलर की कॉर्ड लेंगे और उसे हम अब इस रिंग को फिल करने में यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल बेसिक नॉट बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस रिंग को फिल कर दिया है सिंपल बेसिक नोट बनाकर। देखिए फ्रेंड्स, जिस कोड्स से हमने नोट्स बनाई थी वही कोड्स को अब हम नीचे ले आएंगे। और देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेंटर में ब्लू कलर की कॉर्ड है और उसके आजू बाजू में 4 4 येलो कलर की कॉर्ड्स है और ये पूरी टोटल कॉर्ड्स 12 है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर नोट्स बनाएंगे।
और देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन नोट्स बनाते जाएंगे और इसके हर लाइन में यहाँ पर हमको कॉर्नर में इसके दो दो कोट्स छोड़ते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में 6 नोट्स बनाई है, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, 2 एंड देन 1। इस तरीके से यहाँ पर हमने नोट्स बनाई है जिससे एक ट्रेंगल का शेप बन सके। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके राइट हैंड साइड की कॉर्नर की दो कोर लेंगे और फिर हम यहाँ से पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। और देखिए पाइपिंग करने का तरीका इस तरीके से है कि दो जो कोर हमने कॉर्नर की ली है उसे ऊपर रखना है और बची हुई सभी बाकी कोर्ड्स को नीचे रखना है। फिर कोर्ड्स नीचे से ऊपर की ओर घुमाना है और इस तरीके से यहाँ पर हमको पाइपिंग करना है। और देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन की पाइपिंग होने के बाद अब हम इसके नीचे से ही इसकी पाइपिंग घुमा देंगे। और देखिए नीचे की ही कोर लेकर अब हमको नीचे से ऊपर की ओर पाइपिंग करना है। और इस बार यहाँ पर हम सेकेंड वाली लाइन में सिर्फ एक ही कोर लेंगे जो कि है ब्लू कलर की कोर। वो एक ही कोर को इसके इनसाइड रखेंगे और फिर बची हुई बाकी कोर्ड्स को इसके नीचे रखकर घुमाकर पाइपिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन में इसके इनसाइड में 2 कॉर्ड्स ली थी और इसके सेकेंड लाइन की पाइपिंग में यहाँ पर हमने इसके इनसाइड में एक ही कॉर्ड ली है जो कि है ब्लू कलर की। और देखिए फ्रेंड्स, इसके कॉर्नर में अब हम यहाँ पर कम से कम 4 to 5 टाइम्स नोट्स बनाएंगे। और ये नोट्स बनाने के बाद अब हमको यहाँ पर इसके लास्ट सेकेंड कॉर्ड लेना है और फिर एक बीट्स लगाना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके नीचे से पाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में पाइपिंग करी थी उसी तरीके से अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पाइपिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की ऊपर की दो कॉर्नर की कोर लेना है और फिर पाइपिंग करना है। पाइपिंग 2 लाइन की होने के बाद यहाँ पर हमको एक ऑरेंज कलर का बीट्स लगाना है और फिर उसके नीचे भी पाइपिंग करना है। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बीट्स लगाएंगे और पाइपिंग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फोर फोर ऑरेंज कलर के बीट्स लगाएंगे और नीचे पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके सेंटर में फोर येलो कलर की कॉर्ड्स बच चुकी है। अब इन फोर कॉर्ड्स में यहाँ पर हम टू ऑरेंज कलर के बीट्स अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें बीट्स लगाने के बाद इसके फोर कॉर्ड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के इसके टू कॉर्ड्स लेंगे और फिर पाइपिंग करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड की दो कॉर्ड्स लेना है और फिर राइट हैंड साइड में भी पाइपिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेंटर की फोर कॉर्ड लेंगे और उसमें एक ऑरेंज कलर का बीट्स इसमें अटैच करेंगे। ये बीट्स अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की फोर येलो कलर की कॉर्ड लेंगे, राइट हैंड साइड की फोर येलो कलर की कॉर्ड लेंगे और फिर एक नोट बनाएंगे। तो देखिए, इस नोट को इस तरीके से बनाएंगे। फोर फोर कॉर्ड लेना है येलो कलर की कॉर्नर की और उसके बाद यहाँ पर हमको एक सिंपल बेसिक नोट बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसके सेंटर की फोर कॉर्ड लेंगे और उसमें एक ऑरेंज कलर का बीट्स इसमें अटैच करेंगे। और अब हम इसके नीचे भी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी पाइपिंग कर देंगे। और पाइपिंग करने का तरीका उसी तरीके से है जैसे हमने पहले पाइपिंग की थी। यहाँ पर हमको कॉर्नर की दो कॉर्ड लेना है और फिर उसके नीचे पाइपिंग करना है।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड में पाइपिंग कर दी है और इसके सेंटर में एक ऑरेंज कलर का बीट्स लगा दिया है। और ये बीट्स हमने 4 कॉर्ड लेकर इस बीट्स को लगाया है और वो 4 कॉर्ड है येलो कलर की। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इन 4 कॉर्ड्स को। और देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन कम से कम 3 to 4 टाइम्स उनको नोट्स बनाना है। तो देखिए ये नोट्स हम इस तरीके से बनाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से एक कॉर्ड को निकालना है, फिर राइट हैंड साइड से कॉर्ड को निकालना है। और देखिए फ्रेंड्स, नोट्स बनने के बाद यहाँ पर हम 12 इंच की प्लास्टिक की स्टिक अटैच करेंगे। और इसे अटैच करने का तरीका इस तरीके से है, यहाँ पर हमको कॉर्ड्स को नीचे रखना है, स्टिक को ऊपर। फिर देखिए यहाँ पर हम नीचे से कॉर्ड्स को ऊपर की ओर घुमाएंगे, स्टिक में से निकालेंगे और कम से कम 2 टाइम्स इसे ऊपर से निकालना है, तब जाके ये हमारी स्टिक इन सभी कॉर्ड्स में अटैच हो सकेंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ पर हम 2 2 कॉर्ड्स लेंगे और उसमें यहाँ पर हमने जैसे पहले नोट्स बनाई थी वही नोट्स बनाएंगे और फिर इसे इन सभी कॉर्ड्स को इस स्टिक में अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी कॉर्ड्स को इस स्टिक में अटैच कर दिया है। अब हम इसके नीचे एक लाइन में सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके एक लाइन में यहाँ पर हमने सिंपल बेसिक नोट बनाई है और अब हम इसके सेकेंड लाइन में बीट्स लगाएंगे और फिर नोट बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 5 बीड्स लगाए हैं, जिसमें 3 ऑरेंज कलर के बीड्स हैं और 2 येलो कलर के बीड्स हैं। अब हम यहाँ पर 12 इंच के राउंड शेप के रिंग लेंगे और इन सभी कॉर्ड्स को इस रिंग में अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि हमको सभी कॉर्ड्स को नीचे रखना है, रिंग को ऊपर रखना है, फिर एक कॉर्ड को रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स घुमाना है और इस तरीके से यहाँ पर हमको सभी कॉर्ड्स को इस रिंग में अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी कॉर्ड्स को स्ट्रिंग में अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा में 13 येलो कलर की कॉर्ड लेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में इन 13 येलो कलर की कॉर्ड्स को अटैच करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में भी 13 येलो कलर की कॉर्ड अटैच करेंगे। यहाँ पर हमको टोटल 26 येलो कलर की कॉर्ड्स अटैच करना है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 13 13 येलो कलर की कॉर्ड्स रहेंगे और इन सभी की साइज़ है 80 सेंटीमीटर। और इस तरीके से कॉर्ड्स अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इसके कॉर्नर में 3 कॉर्ड लेंगे और फिर हम पहले पाइपिंग करेंगे और पाइपिंग करने के बाद इसके कॉर्नर में यहाँ पर हम कम से कम 3 to 4 टाइम्स नॉट्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम 3 to 4 टाइम्स नोट्स बनाएंगे और फिर इसकी लास्ट सेकेंड वाली कॉर्ड में यहाँ पर हमको एक ऑरेंज कलर का बीड्स अटैच करना है, फिर नीचे से पाइपिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग होने के बाद यहाँ पर हम इसके साइड वाली एक कॉर्ड ले लेंगे और उसे भी हम इस पाइपिंग में इंक्लूड करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके नीचे भी पाइपिंग करेंगे और फिर एक बीड्स लगाएंगे और फिर उसके नीचे पाइपिंग करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये एक डिज़ाइन बनाई है, उसी तरीके से अब हमको यहाँ पर इसके नीचे भी लाइन बाय लाइन यही डिज़ाइन को बनाना है।
देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाते वक्त जो हमारी दो दो कॉर्ड बच जा रही है उसे अब हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको यही डिज़ाइन को इसके पूरे राउंड में बनाना है। देखिए, यहाँ पर हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में बना ली है डिज़ाइन, और अब हम इसी तरीके से यही डिज़ाइन को राइट हैंड साइड में बनाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड में ये डिज़ाइन को बना लिया है, और इस तरीके से यहाँ पर हमने रिंग को फिल कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी बची हुई कॉर्ड्स है ऊपर की, इन सभी कॉर्ड्स को हम नीचे ले आएंगे, और इसके नीचे ले आने के बाद यहाँ पर हमको इसके पीछे साइड में एक और राउंड शेप की रिंग अटैच करना है, और इस रिंग की साइज़ है 12 इंच। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको मिरर अटैच करने के लिए इसके पीछे साइड की ओर में यहाँ पर हम एक्स्ट्रा की एक राउंड शेप की रिंग लगा रहे हैं, और देखिए जो हमारी बची हुई कॉर्ड्स थी उसे हमको इस रिंग में अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारी कॉर्ड छोटी पड़ गई है, इसलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा में एक और कॉर्ड लेंगे और इन दोनों कॉर्ड को लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा होता हो कि आपकी कॉर्ड छोटी पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा में एक कॉर्ड लीजिए और लाइटर की हेल्प से इन दोनों कॉर्ड्स को स्टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉर्ड की साइज़ इंक्रीज हो जाएंगी, और फिर आप अपनी डिज़ाइन बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर हम सभी कॉर्ड्स को नीचे ले आएंगे, और फिर इन सभी कॉर्ड्स को इस रिंग में अटैच करेंगे। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो हम कॉर्ड्स अटैच कर रहे हैं वो इसके पीछे वाली रिंग में अटैच कर रहे हैं, और इसके आगे वाली जो रिंग है उसमें हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है। अब हम यहाँ पर 12 इंच का मिरर लेंगे, और इन दोनों रिंग के बीच में इस मिरर को इस तरीके से रखेंगे, और इसकी जो बची हुई कॉर्ड्स है उसे हम इसकी आगे वाली जो रिंग है उसमें से निकालेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर हम इसमें मिरर फिट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको यहाँ पर जो हमारी पीछे की कॉर्ड्स है वो कॉर्ड्स को हमको इसकी आगे वाली रिंग में से निकालना है, और इस तरीके से यहाँ पर हम मिरर को अच्छे से फिट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसके पीछे वाली कॉर्ड को आगे वाली रिंग में से निकाला है, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा मिरर बहुत ही अच्छे से फिट हो चुका है। अब हम इसके नीचे सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे एक लाइन में, और एक लाइन
होने के बाद यहाँ पर हम इसके सेकेंड लाइन में बीट्स अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहली लाइन में एक सिंपल बेसिक नोट बनाई है, इसके सेकंड लाइन में यहाँ पर हमने बीट्स लगाए हैं और उसके नीचे सिंपल बेसिक नोट बनाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 12 इंच की प्लास्टिक की स्टिक लेंगे और इन सभी बचे हुए कॉर्ड्स को इस स्टिक में अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी कॉर्ड्स रहेंगी उसे अब हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। और देखिए, ये जो हमने पहले सीज़र की हेल्प से कट कर दी थी कॉर्ड्स को, अब उसे हम लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो कॉर्ड्स स्टिक में अटैच करी थी उसमें हम यहाँ पर येलो कलर की कॉर्ड ही सिर्फ कट करेंगे और उसके जगह पर यहाँ पर हम पर्पल कलर की कॉर्ड इनमें स्टिक करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो नीचे की डिज़ाइन है वो पूरी पर्पल कलर में बन सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो येलो कलर की कॉर्ड कट करी उसे अब हम यहाँ पर पर्पल कलर की कॉर्ड में यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन में सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे और इसके सेकंड लाइन में यहाँ पर हम येलो कलर के बीट्स इनमें अटैच करेंगे, फिर उसके नीचे सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल का शेप देना है।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से बीट्स अटैच करे हैं। पहले 6 बीट्स, फिर 5 बीट्स, फिर 4 बीट्स, फिर 3 बीट्स एंड देन 2 बीट्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये 2 बीट्स अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर राउंड शेप की 4 इंच की रिंग इनमें अटैच करेंगे। और इसे अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि पहले हमको रिंग को ऊपर रखना है, फिर कॉर्ड्स को नीचे रखना है, फिर एक कॉर्ड्स को इस रिंग के ऊपर से कम 2 टाइम्स निकालना है। और इस तरीके से यहाँ पर हम हमारी सभी कॉर्ड्स को इस रिंग में अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी कॉर्ड्स इस रिंग में अटैच करने के बाद जो हमारी ऊपर दो दो कॉर्ड बच जा रही थी उसे अब हम सीजर की हेल्प से यहाँ पर कट कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम 2 ब्लू कलर के एक्स्ट्रा की कॉर्ड लेंगे और वो एक एक ब्लू कलर की कॉर्ड यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अटैच करेंगे। और ये हम नीचे वाली स्टिक में इनको अटैच करना है और इनकी साइज़ है 1.5 मीटर। और इस तरीके से ये 2 कॉर्ड्स लेकर हमको 1 बाय 1 नोट्स बनाना है। और ये नोट्स इस तरीके से बनेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड से निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो नीचे राउंड शेप की रिंग अटैच करी थी उसमें अब हम यहाँ पर 14 पर्पल कलर की कॉर्ड इनमें अटैच करेंगे और इनकी सभी की साइज़ रहेंगी 2 मीटर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने स्टिक में एक्स्ट्रा ही कॉर्ड अटैच करी थी वो दोनों की एक्स्ट्रा की कॉर्ड हमको यहाँ पर इस रिंग में अटैच करना है। और देखिए, यहाँ पर हमने जो राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर कॉर्ड्स अटैच कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी यही कॉर्ड्स को इस रिंग में अटैच करना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो स्टिक में कॉर्ड्स अटैच करी थी एक्स्ट्रा की वो सपोर्टिंग कॉर्ड्स थी और ये सपोर्टिंग कॉर्ड्स हमने इस रिंग में अटैच कर दी है। अब हम इसके नीचे लाइन बाय लाइन नोट्स बनाते जाएंगे और ये नोट्स हमारे रहेंगे सिंपल बेसिक नोट। और देखिए फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट लाइन में यहाँ पर हमने सिंपल बेसिक नोट बनाई है और इसकी सेकंड लाइन में अब हम यहाँ पे ऑरेंज कलर के बीट्स इनमें अटैच करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमको कंटिन्यू लाइन बाय लाइन सिंपल बेसिक नोट बनाना है।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कम से कम 11 to 12 लाइंस में सिंपल बेसिक नोट बनाई है। और अब हम इसके नीचे 4 इंच की राउंड शेप की रिंग इन सभी कोट्स में अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर हमने रिंग में सभी कॉर्ड्स को अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा की 1 मीटर की पर्पल कलर की कॉर्ड लेंगे और इस तरीके से हम उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। और देखिए, वो जो कोट्स हमारी बच जाएंगी उसे हम यहाँ पर लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। और यहाँ पर हमारी सभी बची हुई कोट्स को सीजर की हेल्प से कट करके इनमें सभी में बेल्स अटैच कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर हम बेल्स इस तरीके से अटैच करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम एक कोर्ड में एक बेल्स अटैच करेंगे, फिर सेकेंड कोर्ड लेकर इन दोनों कोर्ड को स्टिक कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसके नीचे वाली स्टिक में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसके कॉर्नर में एक एक पर्पल कलर की कॉर्ड इनमें अटैच करेंगे और इसकी साइज़ है 1 मीटर। और इस तरीके से कॉर्ड्स अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इसके नीचे बेल्स इनमें अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसके नीचे वाली स्टिक में कॉर्नर में बेल्स इस तरीके से पिंक कलर के अटैच कर दी है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो नीचे डिज़ाइन बनाई थी उसमें दो दो कॉर्ड्स जो बच जा रही थी उसमें भी अब हम यहाँ पर मल्टी कलर के बेल्स इनमें अटैच कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मैक्रम का मिरर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और साथ में देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए। और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।